वाराणसी के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया है। इस आदेश के आधार पर वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ आक्रोश जता रहा है। 2 फरवरी को वाराणसी बंद की घोषणा भी की गई थी। वहीं मुस्लिम समाज के गुस्से को देखते हुए जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी मस्जिदों के बाहर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्थगन आवेदन भी खारिज कर दिया और मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक की गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम नेताओं ने ज्ञानव्यापी केस में आए वाराणसी कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। मुस्लिम नेताओं की ओर से कहा गया कि कोर्ट के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, यह आपस में विभाजन पैदा करने की कोशिश है। हुकूमत को चाहिए कि पूरी कुव्वत के साथ इसको नाफिज करें और हम अदालतों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तकवीत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वह मुल्क में तमाम इबादत गाहों का तहफ़ करें। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट कोई प्रमाण नहीं है। विरोधी पक्ष ने इसे प्रचारित कर जनता में अराजकता पैदा कर दी है। जबकि ज्ञानव्यापी मामले में हाल ही में आए कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के तुरंत बाद एक कानून बनाया गया था, जिसके मुताबिक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को छोड़कर 1947 में बनाई गई पूजा स्थल वैसे ही रहेगा, अब उस कानून का पालन किया जाना चाहिए। वहीं जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा ड्रोन कैमरों के जरिए लिया जा रहा है। ज्ञानव्यापी परिसर में जुम्मे की नमाज के लिए भारी संख्या में नमाजी पहुंचे। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने भी शांति बनाए रखने की अपील की।